नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं। भैया मुझे थोड़ा य और श्व में कंफ्यूजन होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। ठीक समझाता हूँ, कोई बात नहीं। तो आज हम श्व और य इन दो अवयव का विचार करने वाले। बहुत कंफ्यूजन होता है, सही है? तो चलिए, यह का मतलब होता है यस्टरडे, जो बीता हुआ दिन है, ओके, उसके लिए यह का यूज होता है। और श्व मतलब टुमारो, आने वाला दिन। तो एक सिंपल सेंटेंस पहले आप समझ लीजिए, जैसे मैं कल गया था। तो यहां आपको यदि अवयव में एग्जाम में आता है कि अवयव कैसे करें, तो उसमें यदि श्व और यह में कंफ्यूजन है तो सिंपल है। यदि लंग लकार है, अगच्छत, अपठत, असत, तो समझ लेना है वहां यह का यूज करना है। जैसे अहम यह ग्रामम अगच्छम, मैं कल गांव गया था, ये यह का उदाहरण। अभी श्व का देखिए, अहम श्व ग्रामम गमिष्यामी। यदि रूट लकार आता है तो समझ लेना है वहां श्व आना जरूरी है। अहम श्व, मैं कल, मतलब मैं टुमारो, तो गमिष्यामी जाऊंगा। अहम श्व पठिष्यामी, मैं कल पढ़ूंगा। उस तरह से सह यह अपठत, उसने कल पढ़ा या उसने कल पढ़ाई की। तो यहां यह आया क्योंकि वो पास्ट टेंस है, अपठत आया इसलिए समझ लेना है कि जहां लंग लकार होगा वहां यह का यूज कीजिए, और जहां लूट लकार का यूज होगा वहां कीजिए श्व, मतलब गमिष्यति जाएगा, पठिष्यति, इस ऐसे सेंटेंस पर आप श्व यूज कीजिए। और एक दो सेंटेंस से, सह यह अहसत, वह कल हंसा था। यस्टरडे, यह मतलब यस्टरडे, वह कल हंसा था। अहसत, तो क्रियापद के पहले यदि अ है तो समझ लेना है वहां यह आएगा, मतलब लंग लकार आपको यहां ध्यान देना है। मगर सह श्व हसिष्यति, वह कल हसेगा, तो हसिष्यति, इष्यति यदि आपको किसी क्रियापद में दिखता है तो समझ लेना है वहां क्या यूज करना है, श्व यूज करना है। धन्यवाद।